मेरा हार्दिक नमस्कार और इतिहास के इस महाकुंभ में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। और आज के इस सेगमेंट में इतने सरल प्रश्न मैंने रखे हैं जो प्रथम दृष्टया विकल्प देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, प्रश्न पढ़ते ही उत्तर समझ में आएगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा भवन में पूछे जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय या फिर हमारा कॉमन सेंस हो सकता है किसी दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाए। तो आज की ये श्रृंखला एकदम सरल प्रश्नों से शुरू हो रही है और मुझे उम्मीद है सभी छात्र और छात्राएं क्लास में आ चुके हैं, कॉपी पेन आपकी रेडी है और आपका पहला प्रश्न भी रेडी है। कुवातुल इस्लाम अर्थात इस्लाम का नगर किसे कहा गया है? और मुझे उम्मीद है सभी ने जवाब सही दिया है और जवाब है देवगिरी। इस्लाम का नगर किसे कहा गया है? तो इट इज देवगिरी। आई थिंक क्लियर हो रहा है। और अगर ये कहता कि कुवातुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, कुवातुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो जब मस्जिद का रेफरेंस आएगा तब जवाब होगा दिल्ली। कुवातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया तो भी जवाब आपको पता है और उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या है? चंद्रमा का स्वामी। क्लियर हो रहा है। तो इस्लाम का नगर है देवगिरी और कुवातुल इस्लाम मस्जिद की बात है तो जवाब है दिल्ली में है। सरल प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के द्वारा प्रवर्तित सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल। चांदी का टका, ध्यान रखिएगा, टका इल्तुतमिश ने चलाया है और तांबे का सिक्का जीतल भी इल्तुतमिश ने चलाया। वो पूछ ये रहा है कि दोनों के बीच में अनुपात कितना है। चारों ऑप्शन सामने आपके पास दिखाई पड़ रहे और बिना देर किए हुए मैं जवाब देता हूं, 1:48 1:48। क्लियर हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा, विद्वान नेल्सन राइट ने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है याद रखिएगा, नेल्सन राइट इल्तुतमिश को महान मुद्रा विशेषज्ञ की संज्ञा देते हैं। महान मुद्रा विशेषज्ञ, और निश्चित रूप से अगर ये प्रश्न आया तो लोग लगा देंगे मोहम्मद बिन तुगलक। और मैं जवाब बता रहा हूं आपको, ये है इल्तुतमिश। नेल्सन राइट इल्तुतमिश को महान मुद्रा विशेषज्ञ की संज्ञा देते हैं और थॉमस एडवर्ड मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, सिक्कों का राजकुमार कहते हैं। तो इस प्रकार दूसरा सरल प्रश्न भी समाप्त हुआ और एक विशेष जानकारी आपको मिली नेल्सन राइट। और अब है, मकबरा शैली का जन्मदाता कौन है? और बिना कुछ देखे हुए जवाब आप दे सकते हैं, जवाब है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का पहला मकबरा बनवाया। नासिरुद्दीन महमूद का पहला मकबरा बनवाया और उस मकबरे को क्या कहा जाता है? नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, शिराज़े हिंद या पूर्व का सिराज या पूर्व का सिरमौर किसे कहा गया है? मालवा, गुजरात, बंगाल या फिर जौनपुर? और सही जवाब है जौनपुर। जौनपुर में किन शासकों की
राजधानी रही? तो जवाब है शर्की शासकों की राजधानी जौनपुर। मुझे बता सकते हैं क्या आप कि दिल्ली सल्तनत में अंतिम रूप से जौनपुर का विलय किसके शासनकाल में हुआ? दिल्ली सल्तनत में जौनपुर का विलय अंतिम रूप से किसके शासनकाल में हुआ? तो शायद अगर आप याद कर पाएं तो ठीक है, और वो शासक है बहलोल लोदी। और आपको ये भी समझ लेना चाहिए दिल्ली सल्तनत में ये शासक सर्वाधिक लंबे समय तक 38 वर्षों तक शासन करता है। मुझे उम्मीद है आप इन बातों को रिकॉल कर पा रहे होंगे और इन सरल प्रश्नों को किसी भी कीमत पर परीक्षा भवन में गलत नहीं होने देंगे। गलत हुए ये प्रश्न तो आप प्रथम दृष्टया अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। अगला प्रश्न है, मामलूक सुल्तानों में किसने सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि या खुद को नियाबत ए खुदाई माना? नियाबत ए खुदाई, जिल्ले इलाही कौन कहता है खुद को, तो बिल्कुल ठीक है और मुझे उम्मीद है 100% जवाब सही आएगा। और जवाब है बलबन, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत में दैवीय राजतंत्र की संकल्पना को स्थापित किया इसने, ठीक है, और इसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि, खुदा का प्रतिनिधि घोषित कर दिया, ईश्वर की छाया घोषित कर दिया। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बलबन। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम बताएं, और बिना पढ़े जवाब दिया तो हो सकता है गलती हो जाए। फतवाए जादारी, तारीख ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, या फिर वाक्यात ए फिरोज शाही, जवाब सही आना चाहिए। और ये जवाब है फतुहात ए फिरोज शाही 1998 उत्तर प्रदेश PCS ऑप्शनल की परीक्षा में ये प्रश्न आया है, आप चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको। आपको ध्यान रखना चाहिए ये दिल्ली सल्तनत में पहला शासक है जिसने अपनी आत्मकथा को लिखा। पहला शासक है ये, पहला शासक जिसने अपनी आत्मकथा को लिखा फतुहात ए फिरोजशाही के नाम से। पूरे मेडिवल इंडिया में केवल और केवल 3 आत्मकथाएं लिखी गई हैं, और अगली दूसरी मेडिवल इंडिया के रिलेशन में, और मुगल काल में पहली आपको पता है बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। ध्यान रखिएगा तुजुक ए बाबरी, क्लियर हो रहा है। और फिर इसके बाद तीसरी आत्मकथा जो लिखी गई है वो जहांगीर की है, तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीरी ने यद्यपि की, उसको पूरा नहीं किया जहांगीर ने, और उसको फिर कई लोगों ने, मोतमिद खान, फिर हाफदी खान ने उसको आगे कंटिन्यू किया। तो फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। फिरोज शाह तुगलक ने भू राजस्व की वसूली के लिए नीलामी की प्रथा शुरू कर दी। ये भयानक बात है भाई, देखिए। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया, इक्तादारी, इजारादारी, जागीरदारी, या फिर कनकूत प्रथा? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और ये है इजारादारी व्यवस्था। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, किसी का गलत नहीं हो रहा है। भारत में एकता व्यवस्था का जन्मदाता आपको पता है, और ये है मोहम्मद गौरी। दिल्ली सल्तनत में इसको संस्थागत रूप प्रदान करने का श्रेय है इल्तुतमिश को, इक्तादारी व्यवस्था के लिए। और इजारादारी मतलब ठेके पर, नीलामी पर दी गई व्यवस्था, भयानक है। तो अब देखिए
अगला प्रश्न आ रहा है, सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे कहा जाता है? और मैंने अभी आपको बताया है नासिरुद्दीन का मकबरा या फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये बनवाने वाला था इल्तुतमिश। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सुल्तानों ने, लगभग अधिकांश सुल्तानों ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे बनवा दिए। जैसे आगे ये पूछा जाता है कि किस मुगल शासक को अपना मकबरा बनाने का मौका नहीं मिला, तो जवाब आपको पता है और वो है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा उसकी बेगम ने बनवाया और यही कारण है कि हुमायूं के मकबरे को ये कहा जाता है एक वफादार पत्नी की महबूबाना पेशकश। और अब आपके सामने अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला कौन था? तो इट इज सिकंदर शाह लोदी कविताएं लिखता है। मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया कर रहे हैं आज आप लोग, बहुत अति आत्मविश्वास से मत भरिएगा अपने आप को, आज का प्रश्न पत्र काफी सरल है। कुतुबुद्दीन ऐबक गायक था, आपको ये बात पता है, इसकी उपाधि है कुरान ख्वां। कुरान की आयतों को बहुत मधुर स्वर में गा सकता था। इज दैट क्लियर? दिल्ली सल्तनत में संगीत को किसने बैन किया, मुझे बताइए। दिल्ली सल्तनत में संगीत को किसने बैन किया और उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न आपके सामने है तोताए हिंद। अब ये तो ऐसा ही है, प्रश्न तो ऐसा ही लिखा है, अक्सर करके ये भी आया है तूती ए हिंद। हिंदुस्तान की आवाज, और नो डाउट वो वन एंड ओनली अमीर खुसरो साहब, निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य अमीर खुसरो, तूती ए हिंद। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी ऐतिहासिक संकलन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं जवाब देता हूं, ताजुल मासिर, हसन निजामी की रचना है, हसन निजामी साहब की रचना है ताजुल मासिर, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी ऐतिहासिक संकलन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर डालिए, रजिया की मृत्यु कहाँ हुई? कोई जरूरत नहीं है आगे के विकल्पों को देखने की, हरियाणा के निकट कैथल में। रजिया और उसके पति अल्तुनिया की हत्या डाकुओं ने कर दी थी रात में सोते समय, याद आ रहा है? तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13, नायब ए ममालिकात का पद सर्वप्रथम किसके काल में सृजित हुआ? ये प्रश्न कई बार आया है और जवाब है बैराम शाह। और इस पद पर सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई? तो उनका नाम है ऐतगीन। आपको पता है सुल्तान के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद नायब ए ममालिकात, क्लियर? अब देखिए, कोइंसिडेंस मानिए, यही प्रश्न फिर से आ गया कि कौन नियुक्त हुआ सर्वप्रथम, तो जवाब है ऐतगीन। क्लियर हो रहा है? प्रश्न बहुत सारे हैं आज की क्लास में, धैर्य से बैठिएगा। सिकंदर एसानी कौन है? तो बिल्कुल ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अपने आप को वो द्वितीय सिकंदर घोषित करता है। विश्व विजय का ख्वाब देखा इसने, एक बड़ी बात है, विश्व विजय का ख्वाब देखता है, तो खुद को वो सिकंदर एसानी या फिर द्वितीय सिकंदर घोषित करता है। ठीक जा रहे हैं हम लोग।
और अब आपके सामने एक विशेष सूचना है, 30,000 प्रश्नों का महाकुंभ, इतिहास की एक परीक्षोन्मुखी टेस्ट सीरीज का प्रारंभ हो चुका है। आपको ये फिगर थोड़ी अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है और अब तक लगभग मैंने 15,000 प्रश्न हल करवा दिए हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने इसमें भागीदारी सुनिश्चित की है। इस महाकुंभ में आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 125 प्रश्न होते हैं जो तीनों खंडों में समान रूप से विभाजित होते हैं। एक छात्र न्यूनतम 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज ले सकता है। निशुल्क मॉडल पेपर अगर आपको मंगाने हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके 1-2 निशुल्क मॉडल पेपर मंगा सकते हैं। खूब संतुष्ट होने के बाद आप अपना नामांकन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सूचना और इसके बाद आपकी एक विशेष इतिहास की बुकलेट, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, ये 250 पन्ने की इतिहास की बुकलेट, जिसमें इतिहास के तीनों खंडों को मैंने समाहित किया है और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। सैकड़ों की संख्या में क्लास से छात्रों का सिलेक्शन सुनिश्चित हुआ है। लगभग अभी तक 90% तक प्रश्न पूछे जाने की परंपरा इसी बुकलेट से रही है। आप चाहें तो इस बुकलेट को अपनी अध्ययन सामग्री में आप शामिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जियाउद्दीन बरनी की वो पुस्तक जो राजनीतिक दर्शन से संबंधित है, तो आप बता पाएंगे, और वो है फतवाए जहांदारी। ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। आई थिंक बढ़िया चल रहा है, अच्छा कर पा रहे हैं, मुझे बताइए, मुझे रिप्लाई कर दिया करिए। अच्छा लगता है मुझे सुनकर कि भाई ठीक है, छात्र पढ़ रहे हैं बढ़िया से। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे से। इस प्रश्न को देखिए, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रवर्तित सिक्का 4 गनी का मूल्य कितना है? चार जीतल है, 6 जीतल है, 14 जीतल है, या फिर 24 जीतल है, मुझे बताइए। 4 गनी, 4 जीतल है। शश गनी, 6 जीतल है, याद रखिएगा, ठीक है ना? ये सारे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। 4 गनी, 4 जीतल, शश गनी, 6 जीतल, इज दैट क्लियर? और इल्तुतमिश के आध्यात्मिक गुरु कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार इन्हीं को समर्पित है। ठीक जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा विभाग बनाया? तो जवाब है दीवाने अमीर कोही, कृषि विभाग है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है। दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किसने की? आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी। बकाया भू राजस्व की वसूली के लिए कौन सा विभाग बनाया गया था? दीवान ए मस्तकराज,
किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। और क्वेश्चन नंबर 20, एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो अभी मैंने बताया है, फिरोज शाह तुगलक, फुतुहात ए फिरोज शाही। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, सस्यावर्तन का सिद्धांत, इट मींस फसलों की अदला बदली, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जमीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम लोग फसलों को अदल बदल के बोएं? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। पीसीएस में आया है ये प्रश्न, नेट में आया है, पीजीटी में आया है, पता नहीं कितनी बार और कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए। और फिर ये कह रहा है कि कौन सा एक सिलसिला कट्टर सूफी सिलसिला है जो इस्लाम की मान्यताओं पर फॉलो करता है, और वो है नक्शबंदी सिलसिला। महिलाओं के मज़ारों पर जाने पर और दीप जलाने पर पाबंदी लगा दी इसी सिलसिले ने, और इसमें एक सूफ़ी हुए हैं, उनका नाम है शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, एक सूफ़ी हुए हैं शेख अहमद सरहिंदी, ध्यान रखिएगा, इनकी उपाधि है मुज्तहिद ए आलिफ सानी, इस्लाम के पुनरुद्धारक। क्लियर हो रहा है? कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? शंकर देव ने। क्लियर हो रहा है? गलत नहीं होना चाहिए, असम की बात हो रही है। दक्षिण विजय का श्रेय किसको है? अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय किसको है? मलिक काफूर को है। ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होने चाहिए सब प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न है, प्रथम दृष्टया जवाब आ जाता है। तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया किसने आरोपित किया? यानी कि ब्राह्मण जजिया से मुक्त थे और ब्राह्मणों को जजिया के दायरे में लाने वाला, और वो सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, ब्राह्मणों को भी जजिया के दायरे में लेके आता है। बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत में 1% का मूल्य कितना है? ये प्रश्न आपके लिए कठिन भी हो सकता है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट भी है, और जवाब है 490 दिरहम, जवाब है 490 दिरहम। बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा सिक्का था दिरहम, ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है, एक ये बर्नी ने बताया भाई, देखिएगा, 1% बराबर 48 जीतल बराबर 192 दंग बराबर 490 दिरहम, इट मीन्स 1% बराबर 490 दिरहम। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है, और आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखने में बहुत संकोच करते हैं। फिलहाल मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए या मत भी करिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अंगूर और खरबूजे की खेती को शुरू करवाया? और जवाब है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में सरल भी हैं कठिन भी हैं। बलबन के द्वारा गठित सैन्य विभाग का नाम क्या है? और वो है दीवाने आरिज। और इस पद पर सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई? तो उनका नाम है इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क की नियुक्ति इस पद पर सर्वप्रथम हुई है दीवाने आरिज। और ये कहते हैं इस अधिकारी का नाम था आरिज ए मुमालिक। बहुत बढ़िया, सभी छात्रों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नवरोज का त्यौहार किसने बैन किया बताइए? और वो है औरंगजेब। शुरू किसने किया? बलबन। शुरू किसने किया? बलबन। कितने दिन चलता था ये त्यौहार? नवरोज का त्यौहार कितने दिन चलता था? 19 दिन। नवरोज का त्यौहार 19 दिन चलता था, ठीक है। सजदा की प्रथा को बलबन ने शुरू किया,
सिजदा को किसने प्रतिबंधित किया मुझे बताइए। और अगर जवाब औरंगजेब है तो गलत है, सही जवाब है शाहजहां। शाहजहां ने सजदा की जगह पर चार ए तस्लीम की शुरुआत की। और अगला क्वेश्चन नंबर 31, मंगोलों को किसके शासनकाल में दिल्ली में बसाया गया। नव मंगोलों की बात हो रही है और जवाब आपको पता होना चाहिए और सही जवाब है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा है। अगले प्रश्न पे नजर डालें। पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने ली। चार ऑप्शन है और सामने ही जवाब है नासिरुद्दीन खुसरफ शाह। इंपॉर्टेंट है, पैगंबर का सेनापति कौन कहता है। नासिरुद्दीन खुसरफ शाह गुजरात का है, बरादू जनजाति का है, शरा की चिंता नहीं है, कौन कहता है। और वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अपने समय के तत्कालीन जो वहाँ के सबसे बड़े मौलवी सदरु सद्र हैं, मौलाना मुगीसुद्दीन। तो मुगीसुद्दीन से वो कहता है कि मौलाना मुझे नहीं पता कुरान पाक में क्या लिखा है, मैं वही करता हूँ जो मेरी दृष्टि में प्रजा की भलाई के लिए उपयुक्त है, और मैं नहीं जानता अल्लाह ताला कयामत के दिन मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। इट इज अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 34, इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल में आनुवंशिक हो गई। और बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, ये फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक के समय सैन्य पदों को भी आनुवंशिक कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर विरोधों का मिश्रण किसे कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है और बिना कुछ सोचे समझे आपके दिमाग में उत्तर आया होगा, अभागा आदर्शवादी मोहम्मद बिन तुगलक। अभागा आदर्शवादी कौन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक को मुझे बताइए। और जवाब है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कव्वाली के जनक कौन हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है और वो है अमीर खुसरो साहब। कव्वाली के जनक निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो साहब। अगले प्रश्न पर नजर डालें। अमीर खुसरो थे एक सूफी संत। बिल्कुल ठीक है, एक महान सेनानायक, मंगोलों के विरुद्ध एक अभियान में गए भी थे, एक कवि और इतिहासकार। बिल्कुल ठीक है और तदनुसार जवाब आ रहा है उपर्युक्त सभी। और आज आपने 37 प्रश्नों में लगभग 50 से 52 प्रश्नों को हल किया है। मुझे उम्मीद है आज आपने 100% प्रश्न सही किए हैं। और अगर आपने आज एक भी प्रश्न गलत किया है तो रिवीजन की आवश्यकता है। अगली श्रृंखला में हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं। इतने धैर्य के साथ क्लास में बैठने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मुझे विदा दें, नमस्कार।